दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम कुछ दृश्य दिखाएंगे आपको, लेकिन जो इरादा है वो आपको तीन अलग अलग रचनाएं जो है कविता के स्वरूप में, पद्य के स्वरूप में, वो सुनाना, आप तक पहुंचाना, ये हमारा इरादा है इस कार्यक्रम। और वो जो कविताएं हैं वो दर्द पीड़ा दुख से निकले चित्कार की कविताएं हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ जो किया गया वो कैसे बयान करें इस उस दुख को, उस दर्द को, उस गुस्से को, उस चीज को, वो समझ भी नहीं आता। डॉक्टर्स जो हैं वो रास्ते पे निकले हुए हैं, सड़क पे हैं। आम नागरिक इस देश का जो है वो इसको लेकर बहुत ही आहत, बहुत ही पीड़ा में और बहुत ही गुस्से में है, बहुत दुखी है। और तकलीफ दे बात ये है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही। वो कौन शैतान होगा, मतलब वो शैतान ही है और कौन कर सकता है, तो जिस वो उसके दिमाग में घुसा होगा उस व्यक्ति के, उनके साथ भी और लोग थे उन सबके, तो पता नहीं क्यों लगता है शैतान जो है उसका प्रभाव बढ़ रहा है पूरी दुनिया पे, पूरी कायनात पे, और अच्छाई जो है वो उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। वरना ये सब घटनाएं, इस तरह की घटनाएं, एक है वीडियो मेरे पास, मैं दिखा नहीं सकता आपको, वो पूरी तरह से सुरुचि का भंग करने वाला वीडियो है, लेकिन मैं आपको उसमें क्या है ये बता सकता हूं। मैं ठीक तरह से शब्दों का चयन करते हुए कोशिश करता हूं। बंगाल का ही एक दृश्य है ये, जो मुझे मेरे मुझे भेजा गया है, और मेरे ख्याल से शायद वो ट्विटर पर भी, एक्स पर भी है। वो कोई गांव है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का गांव में वो पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह होता है। महिला डॉक्टर जो है वो अपना काम कर रही है बैठ के। एक शायद 17-18 साल का एक युवा, वो दिखता है फ्रेम में आपको, दरवाजे के आधा दिखता है आधा छुपा हुआ है दरवाजे के पीछे। डॉक्टर शायद इसकी हरकतों से वाकिफ हैं तो कुछ बंगाली में बोलना शुरू करती है, समझ में नहीं आता ठीक से, लेकिन जो टोन है उसे लगता है कि वो काफी गुस्सा होकर उसको कुछ बोल रही है। तो ये सुन के वो जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है वो लड़का वहां से निकलता है और पूरी तरह से सामने आता है। और जब वो सामने आता है तो कपड़े तो पहने हुए उसने, पर उसने जो अपना गुप्तांग है वो बाहर निकाल के रखा हुआ है, और वो उस अवस्था में उस महिला डॉक्टर की ओर आगे बढ़ता है। और ये सब कैमरे पे रिकॉर्ड है। वो डॉक्टर, महिला डॉक्टर जो है वो जो कहती है, उस जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वो शायद वहां टेबल पर जो पड़ी हुई वो जो सीजर कैंची है वो उसको उठाती है और कहती है शायद बंगाली में कि वो उस गुप्तांग को काट देगी अगर वो करीब आया तो, और वो लेके उसकी ओर दौड़ती है। तो फिर उस युवा को लगता है कि सही में शायद ये हो सकता है, तो वो फिर भाग खड़ा होता है, एक साइकिल लेके आया था, साइकिल के बेट पर बैठ के वो भाग जाता है। मतलब इसको नीचता की कौन सी सीमा मानेंगे आप, ये समझ में नहीं आता। ये मैंने आपको बयान, वो दृश्य है लेकिन वो दिखा नहीं पाऊंगा मैं आप, इसलिए मैंने आपको बयान कर। इस पर जो है वो कुछ कविताएं जो है उसके द्वारा इस दुख दर्द पीड़ा गुस्से को प्रस्तुत किया गया है। तो मैं सबसे पहले, बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मैं उनके द्वारा जो एक कविता इस बात को लेकर जो है कही गई है, ये जो दुष्कर्म वाली और हत्या वाली जो घटना हुई है, मतलब
शैतान ही मुझे लगता है कर सकता है, बाकी तो ऐसा वो आपने पढ़ा होगा सुना होगा उस युवती की महिला डॉक्टर के शरीर का क्या हाल है, उसके आत्मा पर तो जो चोट लगी होगी वो तो वही जाने, और जो पोस्टमार्टम में जो शरीर का हाल दिखाई दे रहा है जो बयान हुए हैं मैं वो बोलना भी नहीं चाहता, मुझसे वो बोला भी नहीं जाता है, पर ये जो दर्द और पीड़ा बताने का प्रयास ये कविताओं के द्वारा एक तरह से, तो मैं आप तक वो पहुंचाना चाहता हूँ। संवेदना जो है वो अगर कहीं सोई है तो वो जगनी, निरंतर जगनी, जगे रहनी बहुत जरूरी है। पहले ये सुनिए आप। नमस्कार। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी, बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे, बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए, पर किसी वैश्य को लगा कि हम रेप कर देते हैं, विरोध किया फिर रेप करते हैं, विरोध किया गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, गुप्तांगों में ब्लेड डाल देते हैं, जीभ काट लेते हैं, जांघों को काट देते हैं, हाथों को काट देते हैं। बुरा लगा, इस देश में हर घंटे 3 औरतों के साथ ये हो रहा है, तो सिकुड़ते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से औरतें बाहर क्यों हो रही हैं, तो मैं बताती हूं, रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहे। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं, और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अभया 1, 2, 3, 4, बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। एक और आप जानते हैं बड़ा जाने माने एक्टर हैं, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने भी अपनी बात जो है कुछ इस तरह से रखी है, आप इसको सुने और देखें। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आँखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं CCTV नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती, काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। एक डॉक्टर आगम अग्रवाल हैं, उन्होंने भी अपनी बात इस घटना पर, इस दुष्कृति पर, शर्मसार जो कर दे पूरे देश को, उस पर अपनी एक बात रखी है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। किस लिए चुप बैठे हो तुम? तुम्हारी चुप्पी की वजह की तलाश है? तुम्हारे घर का मसला नहीं है शायद, इसीलिए चुप बैठे हो तुम? शायद कलकत्ता दूर है शहर तुमसे, उस डॉक्टर का टूटता सबर, वो खून, वो खौफ, वो खबर तुम तक पहुंचे ना होंगे। खुदगर्जी के किसी दूर गांव में जो रहते हो तुम, इसीलिए चुप बैठे हो तुम। यूं तो फेसबुक के कई मुद्दों की ठेकेदारी है तुम्हारी, पराए मुल्क की जंग हो या राम रहीम की कौम हो, आज घर की बेटी का जनाजा उठ रहा है और उसकी चिता पे
तुम मौन हो। डॉक्टर ही तो थी, यही ना कहते हो तुम, शायद इसीलिए चुप बैठे हो तुम। तुम्हारी आवाज से ज्यादा क्या ही मांग लेते हम, हां खून खौलता है मेरा, बस इतना कह देते तो उम्मीद बांध लेते हम। माफ करना, उसे अकेले ही कांधा दे देंगे हम। माफ करना, उसे अकेले ही कांधा दे देंगे हम। इंसानियत की उम्मीद कहीं और से ले लेंगे हम। मेरी बेटी तो महफूज है, इसी भ्रम में रहते हो ना तुम, शायद इसीलिए चुप बैठे हो तुम। डॉक्टर आगम भटनागर, अब इससे आगे क्या कहें आपको, क्या बताएं और क्या सुनाएं आपको? बस इतना ही काफी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगर ये जो रचनाएं थी, अगर वो आप तक पहुंची और अगर आपका जो मन है, आपका चित्त जो है वो संवेदना ग्रस्त हुआ हो, तो फिर ये वीडियो बनाने का जो काम था वो थोड़ा बहुत सार्थक हो जाएगा। देखिए, अपने आसपास भी देखिए, ऐसे जो शैतान है इनको पहचानिए। बेटियां तो सबकी होती है, बेटियां सबकी होती है। बस और आगे क्या कहें आपको, बस यही समाप्त करते हैं कार्यक्रम। आपने देखा, सुना, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।